सूरत शहर में शानो शौकत से निकाला गया ईद ए मिलाद उन नबी का जुलूस। जुलूस में बड़े युवाओं के अलावा बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल रहे। सूरत शहर के अलग अलग विस्तारों में से निकाला गया जुलूस। सूरत शहर में गुरुवार को गणेश विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होने के बाद दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समुदाय में ईद ए मिलाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके को ईद ए मिलाद के रूप में मनाया जाता है। ईद ए मिलाद पर एक दूसरे को बधाइयां दी जाती हैं। खीर, केक, चॉकलेट सहित मिठाइयां बांटकर मुंह मीठा कराया जाता है। सूरत में इस साल भी धूमधाम से ईद ए मिलाद के मौके पर जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़े बुजुर्ग युवाओं के साथ साथ बच्चे भी सफ़ेद पोशाक और सिर पर साफा पहने हुए जुलूस में शामिल हुए। दोपहर में जुमा की नमाज के बाद से लिम्बायत, सलावतपुरा, उन पाटिया, झापा बाजार समेत अलग अलग क्षेत्रों में जुलूस निकाला गया, जो ख्वाजा दाना दरगाह तथा आंजना फार्म क्षेत्र में स्थित अब्दुल पीर नबी बाबा दरगाह पर पहुंचकर वहां संपन्न हुआ। आज ईद मिलादुन नबी का मौका है और हम सूरत शहर के मदीना मस्जिद चौराहे पर है। इस चौराहे पर बड़ी संख्या में जुलूस आकर इकट्ठा होता है और यही से जुलूस निकलकर जिस जगह पर संपन्न होने जाता है वहां पर जुलूस जाता है। हम आपको एक बात बताते चलेंगे कि सूरत शहर में गुरुवार को एक तरफ गणेश विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है और आज शुक्रवार को यहां पर सूरत शहर में बड़ी धूमधाम से ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी भारी तादाद में पीछे भीड़ लगी हुई है और भीड़ जुलूस के जरिए यहां से निकलकर जाएगा और अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर जुलूस संपन्न होगा। जुलूस में खास बात यह देखने को मिली है कि यहां पर बड़े बुजुर्ग और युवाओं के अलावा बच्चों में भी काफी जुलूस को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बच्चे भी काफी यहाँ पे उत्सुक नजर आ रहे हैं। सफेद वस्त्रों में और सिर पर साफा बांधे हुए बच्चे जुलूस में अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर जुलूस में छुड़कर आगे बढ़ रहे। खास बात यह रही है कि यहाँ पर जुलूस और गणेश विसर्जन दोनों सहयोग से साथ में थे, एक ही दिन थे, लेकिन सूरत के कुछ अग्रणियों ने और दोनों समूह आज ईद मिलादुन नबी का मौका है और हम सूरत शहर के मदीना मस्जिद चौराहे पर है। इस चौराहे पर बड़ी संख्या में जुलूस आकर इकट्ठा होता है और यही से जुलूस निकलकर जिस जगह पर संपन्न होने जाता है वहां पर जुलूस जाता है। हम आपको एक बात बताते चलेंगे कि सूरत शहर में गुरुवार को एक तरफ गणेश विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है और आज शुक्रवार को यहां पर सूरत शहर में बड़ी धूमधाम से ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी भारी तादाद में पीछे भीड़ लगी हुई है और भीड़ जुलूस के जरिए यहां से निकलकर जाएगा और अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचकर जुलूस संपन्न होगा। जुलूस में खास बात यह देखने को मिली है कि यहां पर बड़े बुजुर्ग और युवाओं के अलावा बच्चों में भी काफी जुलूस को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बच्चे भी काफी यहाँ पे उत्सुक नजर आ रहे हैं। सफेद वस्त्रों में और सिर पर साफा बांधे हुए बच्चे जुलूस में अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर जुलूस में छुड़कर आगे बढ़ रहे। खास बात यह रही है कि यहाँ पर जुलूस और गणेश विसर्जन दोनों सहयोग से साथ में थे, एक ही दिन थे, लेकिन सूरत के कुछ अग्रणियों ने और दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ एक बैठक की और बैठक में आपसी समझौते के साथ एक खास निर्णय लिया गया और वो निर्णय ये था कि एक दिन यानी कि गुरुवार को विसर्जन यात्रा निकलेगी और उसके दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा। तो ये दोनों पर्व दोनों समाज के लिए, दोनों काम के लिए बड़े होते और महत्व के होते हैं। तो दोनों समुदाय के लोगों के आपसी समझौते के बाद ये निर्णय लिया गया और आज ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस सूरत शहर से निकाला जा रहा है। सूरत के लिम्बायत, उदना, ऊन पाटिया, अडाजन, रांदेर, सलावतपुरा, झापा बाजार, इन अलग अलग विस्तारों से जुलूस निकलेगा और एक जगह इकट्ठा होकर वहां पर ये जुलूस पूरा होगा। जुलूस में खास तौर से कौमी एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर जुलूस निकाला जाता है। कैमरामैन उमराव खान के साथ मुश्ताक शाह की रिपोर्ट, सूरत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।